दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज की फ्रंट डिजाइन कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए मैंने ये ब्लाउज कट कर लिया है और आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। देखिए 15 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है और ये मैंने 36 साइज का ब्लाउज बनाया, 11 इंच लिया, तैयार में 9 इंच आएगा, 2 इंच हमारा यहाँ पर मार्जिन है। और देखिए मैंने इसके शोल्डर 5.5 इंच लिए हैं। अभी आपको इसमें बताती हूँ नेक डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। तो ये थोड़ा नेक हमारा ब्रॉड रहेगा, शोल्डर से थोड़ा कम ही है, 2.5 इंच ले लें शोल्डर से। इसके बाद हम जो लेंथ ले रहे हैं अपना नेक का उसका मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए मैंने 7 इंच लिया, तैयार में 6.5 इंच रहेगा। अभी हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए शोल्डर से इसी तरह से रहेगा और यहाँ पे हम आगे की तरफ थोड़ा सा लेके आएंगे इस तरह से, और नीचे से और ये थोड़ा सा और ब्रॉड आ जाएगा और यहाँ से ये थोड़ा वी शेप रहेगा। और जो नीचे है यहाँ पर भी हमारा थोड़ा सा गुलाई रहेगा। तो उसके लिए आप ये 1 इंच ले लें और 1 इंच से इसमें मार्किंग कर दिया। यहाँ साइड से आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से इस तरह से इसकी गुलाई तक ही 1 इंच तक इसको ड्रॉ कर देना है। अभी जो नेक ड्राफ्ट है और जो नीचे है इसको कट कर देते हैं। इसकी ओपनिंग हमारी फ्रंट ही है तो हम ये सेंटर से भी कट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा कट हो चुका है। अभी हमारा जो ड्राफ्ट निकला है इस ड्राफ्ट को रख के कैनवास नेक पट्टी कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ये लाइनिंग का टुकड़ा लिया है और इस तरह से मैंने सेट कर लिया है। और देखिए जो यहाँ पे हम इस तरह से ही सेम ड्राफ्ट पे इसको कट कर लेंगे। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच लेंगे, कैनवास की चौड़ाई 1 इंच। अब मैं इसी ड्राफ्ट को रख के कैनवास भी कट कर लूँगी। ये मैंने पट्टी और कैनवास दोनों कट कर लिए। अभी आपको सिलने का तरीका बता दें तरीका। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे नीचे हमने पट्टी रख ली, ऊपर से कैनवास रख लिया और इसको हमने एक्स्ट्रा लिया था। इस तरह से फोल्ड करके नेक को तैयार कर लेंगे दोनों साइड के पीस को। और इसके बाद जो हमारा ये ब्लाउज है ये भी हमने लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया था, लेकिन अभी हमने नेक कट कर दिया है तो यहाँ से भी आप इसको लाइनिंग के साथ में अटैच कर लें। अटैच करने के बाद फिर जो नेक तैयार हो जाएगा उसके बाद फिर इसकी फिनिशिंग देके तैयार करेंगे। तो देखिए ये मैंने स्टिच कर दिया है नेक जो कट किया था, अलग अलग पीस हो रहे थे। और देखिए जैसा कैनवास बताया था मैंने कैनवास भी तैयार कर लिया है। और अभी नेक को इस तरह से रख के स्टिच कर लेते हैं। देखिए मैंने स्टिच कर दिया है और अभी हम इसको पलट के और किनारे पे सिलाई डाल देते हैं जिससे ये सेट हो जाएगा। देखिए हमने नेक की फिनिशिंग दे दी है, अभी हम इसमें प्लेट डाल देते हैं। ये डिज़ाइन आप प्रिंसेस कट या बेल्ट ब्लाउज किसी में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये डॉट वाला बना रही हूँ इसलिए अभी आपको प्लेट डालने का तरीका बता रही हूँ। तो देखिए नीचे से हमने ये 5 इंच ले लिया है हुक पट्टी साइड से और इसमें हमारी ये 5 में से 2 इंच की प्लेट आ जाएगी तो टोटल इधर 3 इंच बचेगा हमारा। और ये प्लेट जो है 5 इंच लंबी डालेंगे। तो देखिए एक तो हमारी ये प्लेट हो जाएगी और एक हमारी हुक पट्टी साइड से प्लेट आएगी, जो हमारी ये लाइन आ रही है इसी से हम इस तरह से ले लेंगे। और इसकी लंबाई देखिए आप 3.5 इंच ले लें और एक हमारी मुड्डे की तरफ से आएगी, ये 4 इंच लंबी आएगी। और एक आप इसको साइड से डाल सकते हैं इस तरह से क्रॉस में टेप रख के। ये हमने 5.5 इंच लंबी क्रॉस में आई है। अभी सेम मार्किंग पर हम प्लेट डाल देते हैं। इसी तरह में ये दो प्लेटें भी डाल लेते हैं। तो देखिए हमने जितनी मार्किंग की थी सारी प्लेटें डाल ली हैं और अभी हम यहाँ पे जहाँ पे हमारे हुक आएंगे यहाँ पे फिनिशिंग दे देते हैं और कमर में देते हैं। उसके लिए मैंने ये पट्टी कट कर ली है और इन पट्टियों को ज्वाइन करके मैं यहाँ से लेके पूरा इसको स्टिच कर देती हूँ। तो देखिए पट्टी मैंने इस तरह से ज्वाइंट कर ली है और यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ और 1/2 इंच मैंने अंदर की तरफ क्योंकि नेक की फिनिशिंग दे दी है हमने इसलिए। और जैसे यहाँ पर प्लेट है तो यहाँ पर हल्की सी प्लेट डालेंगे जिससे खिंचाव नहीं रहेगा हमारे ब्लाउज में।
और जैसे यहाँ पे ये इस तरह की शेप है तो यहाँ पे भी हल्की सी एक प्लेट डाल दें, और सेम जो ये प्लेट है इसको इस तरह से फोल्ड कर दें। तो देखिए मैंने स्टिच कर दिया और अभी हमें इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके बाद में इसमें तुरपाई कर लूँगी। अभी मशीन चला देती हूँ। तो देखिए ये मैंने पूरा फिनिशिंग दे दी है, अभी यहाँ पे तुरपाई कर देंगे बाद में। ये मैंने लेस ली है जो कि इस लेस को नेक से लेके पूरे कमर तक स्टिच कर दूंगी और इसी तरह मैं दूसरा साइड का पीस भी तैयार कर लूँगी। तो देखिए ये लेस मैंने पूरे नीचे तक लगा दिया, इसी तरह मैंने दूसरा साइड का पीस भी तैयार किया। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा डिजाइन बन गया। तो देखिए नेक भी हमारा ब्रॉड है और पूरा यहाँ से लेके इस तरह से हमारे लेस आ रही है। और देखिए यहाँ पे हम काज बना लेंगे और राइट साइड में हुक लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सा ये ब्लाउज की फ्रंट डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।